असलम स्टूडेंट्स आई एम नमशा सहर यूर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्राम टिटोरिया डॉट पी के स्टूडेंट्स द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे इज़ सोल्यूशन एंड कोलाइड्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस टर्म से फेमिलियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स जब मैं कह रही हूँ सोलूशंस एंड कोलाइड्स आई बेसिकली मीन कि मैं मिक्सचर्स के बारे में बात कर रही हूँ दो मुख्तफ तरह के मिक्सचर्स और स्टूडेंट्स मिक्सचर्स की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो अपने कॉन्स्टिटूंट्स की प्रॉपर्टीज ओवरऑल प्रोजेस कर रहे होते हैं और उनकी स्पेसिफिक शेप और फॉर्म होती है अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं फेज को डिफ़ाइन करते हैं कि फेज़ क्या होता है स्टूडेंट्स फेज वो मिक्सचर है या सैम्पल ऑफ मिक्सचर है जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कि उसके अंदर कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता वो खुद ही होमोजीनस यूनिफॉर्म स्टेट में प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द मिक्सचर जैसे कि हम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर ले लें तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसका जो पूरा फेज है वो यूनिफॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म होगी लेकिन जब मैं इसके अंदर कोई सब्सटेंस डाल दूंगी तो वो उसका फेज डिस्टर्ब कर देगा यानी कि उसके अंदर कोई मिक्सचर क्रिएट हो गया अब स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ़ टू और मोर प्योर सबस्टांसिस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इस कॉल लेस सोल्यूशन स्टूडेंट्स होमोजीनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं होमोजीनस मिक्सचर की यानी कि मैंने एक कंपोनेंट एक फेस के अंदर एड किया फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर एक कंपोनेंट ऐड किया उसको मिक्स किया स्टर किया तो उसने यूनिफॉर्म कंपोजिशन ले ली थ्रू आउट द सिस्टम थ्रू आउट द सिस्टम जब उसने यूनिफॉर्म कम्पोजिशन ले ली तो वो एक सोल्यूशन बन गया अब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है हम स्पेसिफिकली हैट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर अब सोल्यूशन आपके पास दो तरह के होते हैं और सोलूशंस के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो कि सोलूशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की ये नेचर होती है कि वो मिसेबल होते हैं वाटर के साथ यानी कि वो वाटर के साथ इंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और सोलूशन की फॉर्म लेते हैं और यूनिफॉर्म एक मिक्सचर बना लेते हैं थ्रू आउट स्टूडेंट्स कुछ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते वो हाइड्रोफोबिक होते हैं इन नेचर यानी कि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते जैसे कि फैट्स और ऑयल्स और अगर मैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो आई एम स्पेसिफिकली मैथिन के बारे में मैं बात करी कि मैथनल और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रेक्शन बना लेते हैं जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सोल्यूबल हैं बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल

बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड फेज के लिक्विड फेज में सोल्यूशंस आपस में कैसे मिक्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स आपके पास तीन तरह के लिक्विड्स आते हैं एक वो जो कम्प्लीटली मिसेबल सोल्यूशंस बनाते हैं एक वो जो पार्शली मिसेबल सोल्यूशंस बनाते हैं एक वो जो कम्प्लीटली इमिसेबल सोल्यूशन बनाते हैं वन बाय वन स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स स्टूडेंट्स वो लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन यानी कि हर तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स वाटर और मैथनॉल अब वाटर और मेथनॉल में वही बात आ गई कि वाटर और मेथनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन बिल्ड बिल्ड करते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं और कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म सिमेट्री ले लेते हैं यूनिफॉर्म एक कंपोजिशन ले लेते हैं थ्रू आउट बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे वाटर और मैथनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलर इंट्रैक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह बेंजीन और साइक्लोहेक्गजीन भी स्पेसिफिकली अपने इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर फोर फाइव सिक्स में डिस्कस किया था इन इंटरेक्शंस को लिक्विड्स के लिए स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होते हैं उनमें स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने स्टडी की थी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जब इंटरेक्शन बनाते हैं तो वो थ्रू लंडन डिस्पर्जन फोसेज बना रहे होते हैं तो जो बेनजीन और साइक्लोहेक्गजेन के दरम्या नॉन पोलर इंटरेक्शन हैं वो स्पेसिफिकली लंडन डिस्पर्जन फोसेज होंगे और एसीटोन और वाटर में इसी तरह स्टूडेंट्स पोलर इंटरेक्शन होंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से ये लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिसिबल है यानी कि मिक्स होते हैं मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स की टर्म स्टूडेंट्स ख़ुद अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं यानी कि वो जो एक दूसरे के अंदर पार्शली मिक्स होते हैं यानी कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे को बहुत लिमिटेड एक्सटेंट के ऊपर डिजोल्व करें उनको हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं स्टूडेंट्स इन लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी आपस में ज़्यादा होती चली जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों लिक्विड्स आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं याद रखी

अब स्टूडेंट्स होता ही है कि आपके पास एक डायग्रामेटिक इलास्ट्रेशन है जिससे आप देख सकते हैं आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टूडेंट्स आपने क्या लिया क्या किया कि इक्वल क्वान्टिटी ले ली फिनोल की और वाटर की उसको आपने मिक्स किया अब जब आप मिक्स करते हैं ना तो वो दो सोल्यूशन बना लेती हैं दो लेयर्स बना लेती हैं अब एक लेयर के अंदर फिनोल एज अ सोल्यूट एक्ट कर है और दूसरी लेयर के अंदर वाटर एज अ सोल्यूट एक्ट कर रहा है अब स्टूडेंट्स ये दोनों लेयर्स जो होती हैं ये एक दूसरे का सेचूरेटेड सोल्यूशन होती हैं एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस अपर लेयर इज़ फाइव परसेंट फिनोल इन वाटर जबकि जो लोअर लेयर है इट इज़ अबाउट थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट वाटर इन फिनोल अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जब हम इसको एक फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर में लिया हुआ है इन दोनों सोल्यूशन के अंदर और ये स्टेट है कि दो कॉन्जुगेट लेयर्स बनी हुई हैं कॉन्जुगेट लेयर्स में स्टूडेंट्स क्यों कह रही हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे का सेचूरेटेड सोल्यूशन है अब स्टूडेंट्स होता ये कि मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ हीट प्रोवाइड कर रही हूँ सोल्यूशन को तो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर फिनोल एंड वाटर अबाउट 65.9 डिग्री सेल्सियस पे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो जाती हैं और इन दोनों के दरम्यान कोई सेपरेशन नहीं रहती यानी कि होमोजीनियसली मिक्स हो जाती हैं या आपस में मिसिबल हो जाती हैं तो उस टेंपरेचर को स्टूडेंट्स हम अपर कॉन्सलेट टेम्परेचर बोलते हैं या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं स्टूडेंट्स अब हर मिसिबल लिक्विड्स के लिए हर पेयर ऑफ मिसिबल लिक्विड के लिए इस टेम्परेचर की वैल्यू स्पेसिफिक होती है फॉर एग्जाम्पल ये 167 डिग्री सेल्सियस होती है इन द केस ऑफ वाटर एनोलिन सिस्टम और जिसमें 15 परसेंट एनोलिन प्रेजेंट होती है बिल्कुल इसी तरह साइक्लोहैक्सन और एनोलिन के लिए होती है और मुख्तु तरह के सोल्यूशन के लिए होती है उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक तरह के लिक्विड्स आते हैं जो कि कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करते थ्रू एनी सॉर्ट्स ऑफ पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट इंट्रैक्शन उनको हम बोलते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्वर्ड्स बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट जैसे आप वाटर और ऑयल को मिक्स करना चाहें तो आप मिक्स नहीं कर सकते वो कंप्लीटली इनमिसिबल होंगे बिल्कुल इसी तरह वाटर और बेंजीन कार्बन डाइऑक्सलफाइड एंड वाटर साइक्लोहेक्सेन एंड वाटर